नागरिकता संशोधन कानून ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के असली चेहरे को उजागर कर दिया है। टीएमसी प्रमुख ने जिस तरह से इस कानून को लेकर अफवाहों को जोर दिया है, उससे उनकी गंदी राजनीति सामने आ गई है। नागरिकता संशोधन को लेकर दीदी के दोहरे चरित्र को जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिस तरह पूरे देश में अफवाहों का जोर रहा है, उससे कई नेताओं की पोल खुल गई है। कांग्रेस ने लोगों को डराने के लिए इस कानून के प्रावधानों को गलत तरीके से व्याख्या किया, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर झूठ फैलाया है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस कानून को लेकर कई भ्रामक बयान दिए। पहले तो उन्होंने अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देने की बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को ऐसी झूठी बात बोलने से पहले इस कानून की जानकारी ले लेनी चाहिए थी। नागरिकता कानून पर राज्य का कोई अधिकार नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और राज्य इसमें कोई भूमिका नहीं निभा सकती है। इसे लागू करने के लिए किसी राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी राज्य के लोग इस कानून के तहत भारत की नागरिकता के लिए अपील कर सकते हैं। लेकिन ममता ने जनता को गुमराह किया है कि वह अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देंगी। जब उनके इस झूठ का पर्दाफाश हो गया तो उन्होंने दूसरे स्तर की राजनीति शुरू कर दी। एक ओर वे जनता से शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं, तो दूसरी ओर टीएमसी के कार्यकर्ता हिंसक आंदोलन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है, और अगर राज्य सरकार की मुखिया ही कानून को अपने हाथ में लेने पर उतारू है, तो फिर हिंसा कैसे रुकेगी। ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा ही किया। वे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से तोड़फोड़ कराती रही और दूसरी ओर दिखाने के लिए शांति की अपील करती रही। नागरिकता कानून पर वे दोहरी राजनीति करती हैं। अगर यही आंदोलन भाजपा की ओर से हुआ होता तो ममता बनर्जी अपनी पूरी ताकत लगा देती, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भड़की हिंसा में वे राजनीति की रोटी सेक रही हैं। नागरिकता कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसक विरोध पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ममता बनर्जी को संविधान की याद दिलाई है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा दिखानी चाहिए। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि अगर आप हिंसक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसके ऊपर काबू कैसे किया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए पूरे बंगाल को जलाने में लगी हुई हैं। जिस तरह एक विशेष समुदाय को भड़काया जा रहा है, उससे तनाव बढ़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ममता बनर्जी की गंदी राजनीति का ये खेल देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करके रख देगा। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम सरकार का है, लेकिन जब सरकार की मुखिया ही राजनीति के लिए हिंसक आंदोलन पर लगाम लगाने से परहेज करे तो राज्य का क्या होगा। कुछ ऐसा ही पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक फायदे के लिए पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने पर तुली हुई है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।